सर्वप्रथम धन्यवाद आप सबको कि आपने सुनने की इच्छा की धर्म संज्ञा के साथ आईआईटी के प्रोफेसर को। महाराज जी भी कह रहे थे कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रौद्योगिकी के लोग धर्म के प्रति अनुदार होते हैं, किंतु ऐसा है नहीं। वो रोजी रोटी का मसला है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, भारत एक ऐसा देश हो चुका है जहां अभिरुचि, प्रतिभा, इच्छा और रोजी रोटी, इन चारों में कोई सामंजस्य नहीं है। और अगर एक सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, भारत सरकार को पूरी गंभीरता से एक अध्ययन करना चाहिए कि इसके कारण इस विश्व को, इस देश को घाटा कितना हो रहा है। इंजीनियर मोह मोह के धागे, लिखता है वरुण गोवर आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद। वो हिंदी साहित्य पढ़ता तो ज्यादा ठीक करता। मैंने वरुण ग्रोवर को कहा, आप लोगों की सूचना के लिए कह रहा हूं, मैंने वरुण ग्रोवर को फेसबुक में इनबॉक्स किया, पब्लिक में नहीं, कहा कि अब तू रामचरितमानस पढ़, तब तुझे भावनाओं की जो शैली है, फिराक कहते थे क्योंकि इलाहाबाद बहुत कोर्ट हुआ स्वामी जी के द्वारा, तो फिराक कहते थे कि शेक्सपियर इज लाइफ लाइक, तुलसी इज लाइफ गिविंग। तुलसीदास जी 72 साल में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। और सूर ने अकबर को कहा कि इस समय का सबसे बड़ा महाकवि मैं हूं, क्योंकि सूर ने कविता नहीं लिखी, मंत्र लिखे हैं। तो मैं बार बार तुलसी के उद्धरण से ही, क्योंकि नाना पुराण निगमागम के बाद तुलसी जी ने रामचरितमानस हमें दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे कि अयोध्या कांड में अकेले 200 शास्त्रों का निचोड़ है। आप कई कई बार जब वाल्मीकि रामायण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें और तुलसी बाबा को पढ़ें, तो सीधे सीधे दिखता है कि वाल्मीकि रामायण का पूरा आम आदमी के लिए तुलसी ने लिख के दे दिया है। वाल्मीकि रामायण शास्त्रीय है, शास्त्रोक्त है, उपनिषद और ऊपर है। आपने सुना है स्वामी जी को, स्वामी जी ने कहा कि वेद आदेश देते हैं, पुराण मित्रवत हैं और काव्य जो है कांता भाव से आपके लिए ऑपरेट करते हैं, किंतु इन तीनों का सम्मिश्रण लेकर समन्वय के ऊपर तुलसीदास जी, संस्कृत भी उनकी देखिए तो एक ऊंचाई पर, उसके बाद अवधि में जब वो लिखते हैं तो आम जनता, जनता के पास, किसानों के पास उन्होंने जो बौद्धिकता दे दी, वो धर्म का लोक तांत्रिकीकरण है। भारत का धर्म उपनिषदों में, वेदों में अगर आप पढ़ें, मैं आज के विज्ञान से लेकर अपनी परंपराओं से आपको जोड़ना चाहूँगा। 19 तारीख सितंबर 2019 में विश्व के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, वो पूरा फिजिसिस्ट क्लास, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्लास जो डिफाइन करता है साइंस की बाउंड्री को, उसने तीन चीज को माना कि इन तीन चीजों के कारण देर इज अ डिजाइनर हैंड, देर इज अ हैंड बिहाइंड द डिजाइन ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं 20वीं सदी के शुरू तक कोई यह मानता नहीं था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और वो समाप्त होता है। ऐसा माना जाता था कि टाइम कभी शुरू नहीं हुआ। उसके बाद आपका जो एक वैज्ञानिक लिखता हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखने वाला वैज्ञानिक, मैं नामों में जाऊंगा नहीं, मुझे पहले ही अंकुश दे दिया गया 10+5, तो मैं 10 में ही रहना चाहूंगा। मैं उस भाव में था कि स्वामी जी को सुनता चला जा रहा था, अचानक इन्होंने कह दिया अश्विनी जी, मैं सोचा सुनने मिलेगा, तो फिर मेरा नाम पता नहीं कहां से आ गया, तो मैं 10 में ही रहना चाहूंगा। संकेत दूंगा, ये युवा वर्ग है, IQ आपका हम लोगों से बहुत ज्यादा है, कुछ संकेत दे रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि विज्ञान आज जहां पहुंच रहा है, हजारों साल पहले उसे बिना इंस्ट्रूमेंट के आपकी मेधा ने, आपके धर्म ने उसको रेखांकित कर दिया था। कष्ट की बात यह है कि जो आपके ऊपर आक्रांता सभ्यताएं आईं, नालंदा में कितने दिन लाइब्रेरी जली उसका हिसाब है, और यह हमारी परंपरा है कि आक्रांता के नाम पे स्टेशन है। बाहर में जो मेरे मित्र पूछते हैं कि बख्तियार खिलजी के नाम से नालंदा के स्टेशन पे उतरना पड़ता है, आप लोगों को ठीक लगता है?
और अगर नाम बदलें तो तरह तरह के वामपंथी मित्र दुखी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वही सही है। परंपराओं को सुधारने की आवश्यकता है, स्वबोध की आवश्यकता है। कहते हैं जीव, आप और परमात्मा में अंतर क्या है? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। मालवी जी कहते हैं घट घट व्यापक राम जपरे, सबके जगह राम हैं। टैगोर कहते हैं ईच सोल, ये यूनिवर्सल स्पिरिट की बात करते हैं, ईश्वर सब में है, इसलिए देश की बाधा नहीं है, राष्ट्र की बाधा नहीं है, राष्ट्र की सीमा ही नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल पर्सन की बात टैगोर करता है। और अच्छाई है कि तीनों एक ही साल पैदा हुए। कभी आपने सोचा इतिहास में कि तीनों को एक साल एक साथ भेजने की भगवान को जरूरत क्या थी? 1857 के बाद जब तन मन धन इस देश का लूट चुका था, हर तरफ से हम त्रस्त हो चुके थे, तो आयुर्वेद कहता है व्याधि भी देशज होती है और औषधि भी देशज होती है। तो व्याधि चूंकि भारत में आई, तन मन धन सब टूट चुका, तो भगवान ने कहा कि इनकी औषधि के रूप में आप मालवीय जी को भेजिए, विवेकानंद को भेजिए और टैगोर को भेजिए। इन तीनों नहीं, ये तीनों अगर आप देखें तो इनके विचारों ने एक विचार सरणी पैदा की। आज मालवीय का हर मानस पुत्र इस ग्लोब के किसी भी जगह जाइए, मैं हिमाचल प्रदेश में गया, मेरी तबीयत खराब हो गई तो दवा लेने गया तो फार्मेसी किया हुआ बीएचयू का एक छात्र मिला, और मैं जब फ्राइबर्ग जर्मनी में गया तो वहां भी कुछ बीएचयू के छात्र थे। तो बीएचयू ने एक, और वैसे ही मैं आज फिर स्मरण कर रहा हूँ, विवेकानंद जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरा और उनका जन्मदिन एक ही है, 12 जनवरी। तो विवेकानंद जी को बचपन से पढ़ता रहा हूँ और इसलिए मैं कुछ बातों के संकेत के साथ, इन ये परंपरा और पीठिका आवश्यक थी ताकि आप लोग सुनने के मूड में आ जाएं। जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं तीन बात आज सारे वैज्ञानिक मानने लगे हैं। एक तो बिग बैंग थ्योरी को, बिग बैंग थ्योरी मजाक में कहा गया, लेकिन यह कहना, यह मानना ही विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो ब्रह्मांड कभी कभी खत्म भी हो सकता है। तो जो हमारे यहाँ उद्भव, स्थिति और प्रलय का जो कॉन्सेप्ट है उसको आज वैज्ञानिक मान्यता वैश्विक रूप में मिल चुकी है, और उसके लिए चूंकि वो वामपंथी हैं, विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो भगवान नहीं कहेंगे, वो उसके लिए शब्द यूज कर रहे हैं कि देयर इज अ हिडन डिजाइनर बिहाइंड द यूनिवर्स। अब उसके तीन वो प्रूफ कहते हैं कि इसको मानव निर्मित नहीं कहा जा सकता, इसका निर्माता कौन है इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई तो है जो डिजाइन कर रहा है और उसके आधार पर ही ये ब्रह्मांड निर्मित हो रहा है और खत्म हो रहा है। अब देखिए उपनिषद कहते हैं, स्वामी जी संस्कृत कहीं गड़बड़ाए तो ठीक कर देंगे, मेरे अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, उस विश्वास से कि जब हमारे आर्ष पुरुष साथ चलते हैं तो एक निकष साथ चलता है हम लोगों को, तो वहाँ हम चूक नहीं कर सकते, नहीं तो अगली बार कोर्ट हो जाएंगे जैसे सिन्हा जी हो रहे हैं कि धार्यति सधर्म। तो बात यह है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यस्मा जातम जगत सर्वम यस्मिन न प्रलीयते, यह सारा विश्व जिससे उत्पन्न होता है और जहां जाकर समाप्त हो जाता है वही ईश्वर है। डेफिनेशन नाम बदल दें तो जो डिजाइनर, हिडन डिजाइनर बोल रहे हैं उसमें और ईश्वर में अंतर क्या है? संज्ञाएं बदल सकती हैं पर लक्षण तो सारे मिल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं वहां वो लोग, साइंटिस्टों का कह रहा हूं, साइंटिस्ट सब कह रहे हैं कि देयर इज अ हिडन डिजाइनर, हाँ ठीक है, तो वो उसको कम से कम मानने लगे हैं। श्रोडिंगर सीधे सीधे कहता है कि श्रोडिंगर के इक्वेशन मेरे, क्या बोलते हैं, नटराज के उस पर मुझे खेलते हैं मिले, वेद की ऋचाओं से मुझे इक्वेशन के लिए प्रेरणाएं मिली। ओपेनहाइमर कहता है कि हमको गीता के श्लोकों से, ये जब पहली बार उसने देखा बम को फटते हुए तो कहा कि मुझे विश्व रूप कृष्ण के याद आए, गीता के श्लोक याद आए। आइंस्टीन ने लिखा था तत्वमसि सो हम, तो तत्वमसि वो अपने लैब में लिख के रखता है। विज्ञान को प्रेरित कर रहा है आपका धर्म, एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि यह सपेरों का देश है। स्वबोध की आवश्यकता है, पहला जो डिजाइनर हैंड मैंने ये बताया, अब आप एक चीज, दूसरा चीज ध्यान दें, आज
विज्ञान इस स्थिति में आया है, एस्ट्रो साइंटिस्ट इस स्थिति में आए हैं कि वो कहते हैं एक्सपेंशन का रेट, यूनिवर्स का रेट ऑफ एक्सपेंशन एक्सक्लूसिवली ऑप्टिमाइज्ड है। अगर ब्रह्मांड के फैलने की गति जो वेग कह रहे हैं, अगर कहीं इसकी गति थोड़ी भी ज्यादा होती तो हम पिंड नहीं बन सकते थे, सब वायु रूप में फैल जाता। थोड़ा सा वेग बढ़ता तो, और थोड़ा इसका वेग कम होता तो ब्लैक होल में जैसे सारा कुछ घुस जाता है, वैसे सारा का सारा आपका यूनिवर्स एक छोटा सा ब्लैक होल में खत्म हो गया होता। तो प्राणियों की स्थिति ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के वेलोसिटी पे, किस वेलोसिटी पे ऑपरेट करेगी, ये ऑप्टिमाइज कर सकना आज आपके शिवाय परम कंप्यूटर के बस की बात नहीं है, विश्व के किसी भी कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि कोई हिडन डिजाइनर है जिसने इस रेट के एक्सपेंशन को ऑप्टिमाइज किया, साइंस मान रहा है इसको आज। दूसरा उन्होंने कहा, मैंने ये दूसरा हुआ, पहला मैंने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसको साइंस ने मान लिया है, जो हम कहते थे यस्मात् जातम् जगत् सर्वम् यस्मिन् न प्रलीयते। दूसरा रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को साइंस ने मान लिया है। तीसरा बहुत हरगोविंद खुराना और हमारे लालजी सिंह जी भी डीएनए और गुण सूत्रों के सब विद्वान थे ये लोग, ऐसा कहा गया कि डीएनए को आज की तारीख में हमारे पास कंप्यूटिंग फैसिलिटी मेमोरी पेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम डीएनए को डिकोड कर सकते हैं। तो आपने डीएनए की डिकोडिंग को एक अचीवमेंट समझा? कैन यू थिंक अबाउट कोडिंग, हु डिड इट? तो जो डिकोड कर रहा है उससे तो कोड करने वाला ज्यादा ही ऊपर होगा। तो कोडर जो है इज द हिडन डिजाइनर। तो बोले डीएनए को कोड कर सकने की सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति भी आम मानव से, 7 बिलियन पीपल से, 7 करोड़ लोगों से ज्यादा विद्वान है। तो कोई और जो हम लोग कहते हैं कि महापुरुष है, वो जो पुरुष है जो हमेशा रहता है, शाश्वत पुरुष है, जिसके लिए हम कहते हैं कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार, तो सारा है ना, तो सारा का सारा कि वह हिरण्यमय पात्र में, कहते हैं कि उस सृष्टि में उनका मन हुआ कि हम एक हैं, अनेक हो जाएं तो सृष्टि निर्मित हो गई। फिर उनको लगता है कि अब ये सब फालतू काम कर रहे हैं, यदुवंशी धर्म का नाश करेंगे तो सब वापस चलते हैं, तो संहार हो जाता है। तो जब उनके मन में, आपको केन उपनिषद की एक छोटी सी घटना देके मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि और बड़े बड़े इलस्ट्रियस स्पीकर्स आगे हैं पैनल में। और तो केन उपनिषद में एक छोटी सी बालिका खड़ी थी, वो बालिका कहती है, वो बालिका कहती है कि क्या बोलते हैं भाई तुम कौन हो? तो सबसे पहले अग्नि आए, बोलते हैं मैं सारे संसार को जला के राख कर सकता हूँ केन उपनिषद में। तो बोलते हैं ये जो तृण पड़ा है इसको जला दो। तो अग्नि ने पूरा प्रयास किया, तृण तक नहीं जला। तो जो स्वामी जी कह रहे थे अग्नि का धर्म है कि, का लक्षण है कि किसी को भी जला सके, वो लक्षण भी परिलक्षित नहीं कर पा रहे हैं। फिर वरुण आए, फिर पवन आए, सब आए, सारे देवों ने अपनी शक्ति की सारी क्षमता का प्रयास किया, लेकिन उनसे वो तृण पर भी कोई असर नहीं हुआ। तो केनोपनिषद कहता है कि कहीं शक्ति का स्रोत कहीं और है, वो दिखता कब है? तो तुलसीदास जी इसके लिए बहुत बढ़िया कहते हैं कि सोई जानई जही देहु जनाई, और जान तो तुम्ही हो जाए। ईश्वर को वही जान सकता है जिसको ईश्वर चाहता है कि वो हमें जान ले। और तब सैकड़ों सूर्य के प्रकाश से वो स्वर्ण पात्र के भीतर छुपा हुआ है, अंधा हो जाता है आदमी जब दर्शन मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कि लकड़ी के भीतर आग होती है पर वो दिखता नहीं, दिखता तब है जब आप उसके, हम साइंस के आदमी हैं तो हम कहेंगे इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर पे जब रीच करेगा लकड़ी तो आग निकल जाएगी। उसी तरह से एक व्यक्ति के भीतर वासुदेव, ठीक है, आपके भीतर ही ईश्वर है जितना मैं समझ पाया। वो ईश्वर दिखता कब है? जब आपके पास ईश्वर को देखने की अनुरक्ति। शांडिल्य भक्ति सूत्र में प्रथम श्लोक, प्रथम सूत्र है कि अथातो भक्ति जिज्ञासा, भक्ति की जिज्ञासा करें। और डेफिनेशन दूसरे में है कि सा परानुरक्ति ईश्वरो, ईश्वर की प्राप्ति की परानुरक्ति ही भक्ति है।
तो जब परानुरक्ति हो, जब मतलब आपको विशिष्ट अनुराग हो जाए कि मुझे ईश्वर को देखना ही है, लोगों ने जान तक निछावर कर दिया, रावण ने क्या बोलते हैं नौ अपने सिर काटे सारे, और कितनी बार काटे तब जाके शिव दिखे, और उसके बाद वो शिव तांडव लिखते हैं कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम। तो वो जो ये अनुभव हैं वो तभी मिल सकते हैं जब आप उस उत्कंठा तक तो पहुँचें। टीवी की तरह चैनल बदलने से ईश्वर कभी नहीं मिल सकते। ये काशी है, शिव स्वरूप बाबा तैलंग को, तैलंग महाराज ने कहा कि मानव जीवन इतना उत्कृष्ट है कि आप इस ही जीवन में अपने को ईश्वर तत्व तक पहुंचा सकते हैं। और तैलंग महाराज वो थे जिनको ये कहा जाता था कि सचल विश्वनाथ हैं। मैं तैलंग महाराज को इसलिए रेफर कर रहा हूँ कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कलकत्ता से चले आए इनके दर्शन करने के लिए, सारे शिष्यों के साथ गए तो गंगा उस पार मई की गर्मी में तैलंग महाराज गर्म रेत में लेटे हुए थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका पैर पखारा और जो पानी मिला उसको सीधे पीने लगे। अब चूंकि इन्होंने भी काली जी का दर्शन कर लिया था तो सब शिष्य नाराज होने लगे कि ये क्या कर रहे हैं गुरु हमारे, किसका पता नहीं पैर चुने दो के पीने लगे। शिष्यों को ज़्यादा ऐतराज होता है, गुरु तो जानता रहता है कि गुरु क्या कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये सचल विश्वनाथ हैं। तैलंग महाराज की अगर जिंदगी पढ़िए, जीवनी पढ़िए, तो उसमें लिखा है कि जो माला एक व्यक्ति ने प्रयास किया जानने का कि कितना सिद्ध है, तो जो माला बाबा विश्वनाथ में डालते थे वही फूल का माला हर बार फूल बदलने के बाद भी तैलंग महाराज के गले में मिलता था। ये सिद्धि एक ही जीवन में काशी में लोगों ने प्राप्त कर लिया था। काशी साक्षात XYZ & T में आपको ईश्वर की प्राप्ति की, इसकी वैज्ञानिकता की, इसकी प्रक्रिया की सा उदाहरण आपको प्रस्तुति देती है। और काशी इसलिए विशिष्ट है और जगह से क्योंकि यह मौत के कैनवस पर टिकी हुई है। जैसे ब्लैक बोर्ड में चौक दिखता है, वैसे हर आदमी जो काशी में टहलता है तो कहीं ना कहीं शव स्वरूप शिव को देखता रहता है रोज। तो मौत के कैनवस पर जिंदगी यहां नाचती है, और इसलिए चाहे परंपरा हो, चाहे वैज्ञानिकता हो, चाहे आधुनिकता हो, गिरिजा देवी कहा करती थी कि यहाँ 25 नहीं 30 रागिनियां होती हैं, और जगह 25 होता है। तबला तक में छपताल दूसरे जगह खत्म हो गया है, बनारस की गलियों में अभी भी बचा हुआ है। बिस्मिल्ला खान कहते थे कि जहां और जगह के लोग बहुत घंटे रियाज करने के बाद पहुंचते हैं, वहां बनारस का साधक शुरू करता है, क्योंकि ये बना हुआ रस है। फिर से मैं बार बार सबको कोट कर रहा हूँ, लास्ट में कोट कर रहा हूँ, नामवर कहता था, वामपंथी थे नामवर सिंह, नामवर सिंह कहते थे कि दिल्ली में मन नहीं लगता, वैचारिकता तो काशी में है। तो चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, ऑफ सेंटर हो, ऑन सेंटर हो, काशी सबको दिशा देती है। और इसलिए पुनः एक उद्धरण के साथ अगर आयोजक मुझे अलाउ करें तो, अलजबरा वर्ड आप लोग पढ़ते हैं, अलजबरा शब्द की उत्पत्ति काशी के कारण हुई। अलबरूनी काशी आता है तो वह यहाँ के पंडितों को कहा हमको गणित सिखाओ, पंडितों ने मना कर दिया, तुम लेच्छा नहीं देंगे। तो अलबरूनी के पास पैसे थे, अरब से आया था, कुछ गुंडों को उसने पकड़ा और उस पंडित जी को उठवा लिया जो उस समय सबसे ज़्यादा ज्ञानी माने जाते थे काशी में। और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है आज भी कुछ जगह होती है, मैंने देखा एक विभाग में एक अध्यापक को छात्रों ने कुछ कर दिया इसी तरह का। तो अलबरूनी काशी में इसका पुराना इतिहास है। तो अलबरूनी ने वही किया जो आज किया गया। और उसके बाद जो चीज़ तो जब मार खा रहा था तो मरता क्या न करता, तो पंडित जी ने दो चार श्लोक बता दिए, अलबरूनी उनको लिख के ले गया और अरब में उसने कहा कि ये अलजबर है, माने जबरिया प्राप्त किया हुआ ज्ञान। तो अलजबर अरब से जब यूरोप पहुंचा तो अलजबरा हो गया, और जब वो यहां से घूम के आता था हम उसको बूलियन अलजबरा कहते हैं। बूलियन अलजेब्रा जो है पूरा कंप्यूटर का बेस है। आज हम कह रहे हैं कि संस्कृत आपके लिए पूरा जो है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए पाणी, संस्कृत का नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का भारत का सबसे बड़ा विद्वान पाणिनी ग्रामर का भी उतना ही बड़ा विद्वान था। तो संस्कृत और कंप्यूटर दोनों में बहुत हाई लेवल की कंपैटिबिलिटी है। और जैसा कि मानव धर्म के लिए स्वामी जी ने कहा,
दुर्गा सप्तशती में माँ कहती हैं, जब धनुजों को मार के खड़ी होती हैं तो देवता उनके पास आके पूछते हैं, काशी तुम महादेवी थी, महादेवी आप कौन हो? तो साब्रवीत, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अशून्यम च अहम आनंद अनानंदो, सब पूरा व्याकरण है, वो क्या है। लास्ट लाइन वो कहती है, वो इम्पोर्टेंट है, वो है किसी भी धर्म में आप बहुत मुश्किल से पाएंगे, वो कहती है एष आत्मशक्ति, मैं आत्मशक्ति ही हूं, एष आत्मशक्ति यह एवं वेद सह शोकम तरती, ऐसा जो जान जाता है वह समस्त शोकों से तर जाता है कि आत्मशक्ति ही मात्र शक्ति है, माता का रूप है। आज हम लोग डिप्रेशन के लिए भरी जवानी में एक हम लोगों के पास सेल खुला जाता है, खुशहाल खुला जाता है, अगर आत्मशक्ति ही संपन्न हम हो जाए, ये माने आत्मशक्ति ईश्वर है, इसकी जरूरत ना पड़े। धन्यवाद, पूजनीय महाराज जी और सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमें महत्वपूर्ण समय देने के लिए।